सभी मेरे प्यारे भाई बहन को राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया है और मस्त भी है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ SSCGD 2024 के मेडिकल के बारे में, क्योंकि SSCGD 2024 का जो है फिजिकल का डेट आ गया है। 23 सितंबर से जो है फिजिकल होगा और साथ ही साथ में जो है आपका मेडिकल भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका पहली बार मेडिकल होगा SSCGD में, और इनके मन में कई सवाल होंगे कि मेडिकल कैसे होता है और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, वीडियो का एक एक टिप्स को आपको ध्यान से सुनना है, तो आपको कोई और जो है दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टेट वाइज अलग अलग संस्थानों में जो है SSCGD का मेडिकल होता है, और उसमें से मैं जिस संस्थान में रहता हूँ इसमें भी जो है मेडिकल होगा, और पिछले कुछ दिनों पहले जो है ट्रेडमेंट का मेडिकल भी इधर ही हुआ है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है आपको मेडिकल के बारे में, कि मेडिकल में क्या होगा और कैसे होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है मेरे साथ और वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, आम सफाई। दोस्तों हमेशा ये बात याद रखना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब भी आप मेडिकल के लिए जाते हो तो आपको करना ये है कि बढ़िया से आपको नहा धो के जाना है और हेयर कटिंग 0 करके जाना है। उसके बाद नाखून लंबे होंगे तो नाखून को भी काट के जाना है। उसके बाद शरीर के अलग अलग जगह में जो बाल रहता है बाल को भी बिल्कुल जो है आपको कटिंग करके जाना है बगल में, और जो है गुप्त अंग में जो बाल रहते हैं उनको जो है आपको बढ़िया से कटिंग करके जाना है, और कान की साफ सफाई बढ़िया से करके जाना है, क्योंकि कानों में जो है मैल जमा हुआ रहता है तो उसको भी जो है बढ़िया से साफ करके जाना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो है आपको हमेशा अच्छा रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको मेडिकल में जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, आइस। जब भी आप मेडिकल में जाएंगे तो आपका जो है आंखों की जांच होगा, आपकी लेफ्ट और राइट दोनों आंखों की जो है जांच होगा, 6x6 है कि नहीं ये जांच करेंगे मेडिकल में। कुछ दूरी पे जो है कुछ एक अल्फाबेट्स रख दिए जाएंगे और आपको एक एक आंखों से उसको देख के पढ़ना रहेगा। उसके बाद कलर विजन है कि नहीं ये भी चेक कराया जाएंगे। टेबल पे कुछ एक किताब रख दिया जाएगा, उसमें जो है अलग अलग अक्षर होगा अलग अलग कलरों में जो है, तो उसको जो है आपको पढ़ के बताना होगा। उसके बाद अलग अलग लाइनें खिंची हुई रहेंगे तो उस लाइनों को जो है आपको देख के बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन किधर से जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपका कलर विजन जो है टेस्ट भी होता है। और जिन भाइयों का आंखों में दिक्कत है चश्मा पहनते हैं तो वो लोग जो है अभी से डॉक्टर के पास जाए, या अगर तुरंत कोई इलाज हो सकता है तो कराए, नहीं तो जो है अगर आंखों में आपका कोई सा भी अगर गलती पाया जाता है तो आपको जो है मेडिकली अनफिट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दांत की। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके दांतों में कीड़े लग गए या फिर दांतों में जो है सुराग हो रखे, तो वो लोग जो है मेडिकल में ऐसे बिल्कुल भी ना जाए। अगर आप ऐसे चले जाते हो तो आपको जो है मेडिकल अनफिट कर दिए जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप डेंटल के पास जाए, डेंटल हॉस्पिटल में जाए, और दांतों को जो है परमानेंट फिलअप हो जाता है आसानी से, एक ही दिन में जो है आपका फिलअप करके दे देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और साथ में जो है आपको कान का भी बढ़िया से सफाई करके जाना है, ये नहीं कि कान में बहुत सारे मेल जमा हुआ है और डॉक्टर को देखते ही पहले जो है गुस्सा आ जाए और आपको जो है मेडिकल अनफिट कर दे, तो किसी को कोई मौका ही नहीं देना, बढ़िया से साफ सफाई करके जाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं नाक की। जिस भी भाई का नाक का हड्डी ज़्यादा टेढ़ा है तो वो हो सकते हैं मेडिकली अनफिट हो जाए। और उसके बाद जिस भाई का साइनस का प्रॉब्लम है, जैसे नाक के अंदर मस्सा बढ़ जाता है जिसका ज़्यादा है, तो वो भी जो है मेडिकली अनफिट हो सकते हैं, क्योंकि नाक में उतना जो है ध्यान दिया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी जिसका कम है या थोड़ा बहुत है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका मस्सा ज़्यादा है नाक के अंदर वो जो है सतर्क हो जाए, ये जो है आपको मेडिकली अनफिट हो सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैटू की। बहुत सी भाई मेरे ऐसे होंगे जिनके हाथों में टैटू होंगे, जिसका ज़्यादा बिल्कुल ही हाथ भरा हुआ है, बिल्कुल ही जो है जो मन मर्जी का टैटू बना रखे हैं हाथों में, तो वो बिल्कुल ही जो है मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। जिसका छोटा मोटा नाम का अक्षर या छोटा सा नाम है या फिर किसी चीज़ का एक छोटा सा अक्षर है तो वो जो है कुल मिला के चल जाएंगे, लेकिन जिसका ज़्यादा बड़ा टैटू है वो बिल्कुल ही जो है मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। तो इसीलिए समय रहते जो है आपको लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा या कैसे भी जो है आप उन टैटुओं को हटा दिया करें, ताकि आपका मेडिकल में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरी एंगल का। जिस भी भाई का हाथ टेढ़ा है तो वो जो है मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। जैसे कि दोनों हाथ को आप आपस में रखते हो, जैसे सामने सीधा करके रखते हो, तो आपका जो है दोनों कोनी से कोनी टच हो रहा है, और तो आपका कोनी जो है टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, और आपका जो है कैरी एंगल की वजह से जो है आपको मेडिकली अनफिट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन भाइयों का हाथों में पसीना आता है, वो भी जो है मेडिकली अनफिट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है।
तो इसीलिए इस बात पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप मेडिकल के लिए जाए, बढ़िया से हाथों को जो है धो के जाए और हाथों पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाए जिससे पसीना कम आए, या मिट्टी या पाउडर टाइप से कुछ आप लगा के जाए, जिससे कि जिस बाइक का पसीना आता है उनके लिए खास ये पॉइंट है, क्योंकि आपके हाथों में अगर ज़्यादा पसीना आता है तो आपको जो है मेडिकली अनफिट होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स की, यानी ग्रोइन पार्ट्स की। आपकी अंडकोश दो होना चाहिए, ऊपर नीचे चलेगा और हल्का छोटा बड़ा है वो भी चलेगा। जिस बाइक का एक अंडकोश है वो तो है 100% जो है मेडिकल से अनफिट है और उसका मेडिकल में फिट कभी नहीं हो सकता है। उसके बाद जिस भी बाइक का हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है तो वो जो है मेडिकली अनफिट है, बहुत ज़्यादा चांसेस जो है आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाए। इसीलिए जिस भी भाई का हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है तो वो जो है इलाज करवाए अपना, ऑपरेशन के द्वारा जो है वो बिल्कुल फिट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आप जो है मेडिकल नज़दीक है और अभी जाके आप ऑपरेशन करा लें तब भी आप मेडिकली अनफिट रहेंगे। मेडिकल से कम 6-7 महीना पहले जो है आपको ये काम करना रहता है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो है पेनिस है, तो पेनिस की जो आगे वाला हिस्सा है उसकी चमड़ी जो है आपका पीछे होना चाहिए। जिस भी बाइक का चमड़ी पीछे नहीं होता है तो आप जो है तुरंत आपका इलाज कराइए या डॉक्टर से मिलके कैसे भी जो है इसको पीछे कीजिए। जिसका पीछे नहीं होता है वो जो है मेडिकली अनफिट है और वो मेडिकल से आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइल्स की। जिस भी बाइक का पाइल्स का प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा है तो वो जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि मेडिकल से आउट होने का। जिसका अंदर की तरफ पाइल्स है और नॉर्मल है, इतना नहीं है, छोटा मोटा है, तो वो जो है चल सकता है। लेकिन जिसका बाहर है पाइल्स और काफ़ी ज़्यादा है तो वो जो है आपको मेडिकल से अनफिट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोकनी। ये जो है एक काफ़ी बड़ा समस्या है। जिस भी बाइक का घुटना टू घुटना टच होता है वो जो है मेडिकली अनफिट है और आपको जो है मेडिकल से निकाल दिए जाएंगे अगर आपका घुटना टू घुटना टच होता है तो। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट फुट की। आपकी पाँव की तलवी अगर फ्लैट है, जैसे ज़मीन पे आप चलते हो तो आपका पाँव का तलवा जो है पूरा फ्लैट है और ज़मीन पे टच होता है, तो वो भाई भी जो है मेडिकली अनफिट है। जिस भी बाइक का पाँव का तलवा यानी उठा हुआ रहता है बीच वाला भाग, तो वो ही जो है मेडिकली फिट है। अगर जिसका थोड़ा बहुत गैप है तो वो भी चल जाएगा। जैसे हल्का सा गैप है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या होगा कि मेडिकल के दौरान हल्का फुल्का गैप है तो आप क्या है पानी में आपको पाँव को रख के उसके बाद जो है ज़मीन पे चलाया जाएगा, और अगर उसमें गैप दिखाई देता है तो आप जो है मेडिकली फिट है। और बिल्कुल भी अगर टच हो रहा है पूरा फ्लैट है तो आप जो है मान के चलिए आप बिल्कुल ही जो है मेडिकली अनफिट है। उसके बाद जिस भी भाई का मेजर ऑपरेशन यानी बड़ा ऑपरेशन हो रखा है और वो आसानी से दिख रहा है, तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह जाता है कि मेडिकल में जो है आपको अनफिट कर दिया जाए। और उसके बाद किसी की बाइक का ऐसा भी हो सकता है कि हाथ टूट गया हो या फिर पाँव टूट गया हो, जिसमें जो है रोड लगा के उसके बाद जो है इसको ठीक कराया गया हो, तो वो भाई भी जो है मेडिकली अनफिट है। उसके बाद जो है आपका कुछ एक लैब टेस्ट भी होंगे, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, तो इनमें जो है आपका शुगर चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है आगे अलग कोई बीमारी तो नहीं है वो भी चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका छाती का जो है एक्सरे भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बीपी की, कि आपका जो है जांच में बीपी भी चेक किया जाएगा। उसमें जो है काफ़ी सारे लेयर के जिसका बीपी नॉर्मल है लेकिन वो भी मेडिकली अनफिट हो जाता है, और वो भी क्यों, इसलिए घबराहट की वजह से कि मेडिकल में पास होंगे कि नहीं होंगे। घबराहट की वजह से जो उसका बीपी नॉर्मल है लेकिन उस टाइम पे क्या है या तो हाई बीपी हो जाता है, तो उस वजह से जो है आपको मेडिकली अनफिट कर दिए जाएंगे। इसीलिए जब भी आप मेडिकल में जाते हो तो घबराहट बिल्कुल भी नहीं रखना है मन में। आप फिट हो तो आपको कोई आउट नहीं कर सकता है, बिल्कुल ही नॉर्मल रहना है और जिससे आपका बीपी भी सही आएगा। नॉर्मली बीपी जो है आपको पता ही है 80-120 होता है और उसके आसपास जो है चल जाएगा, 10-20 अप डाउन जो है आपका चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का बिल्कुल ही लो बीपी है या फिर जिसको हाई बीपी है वो जो है मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। और जिसका पहले से हाई बीपी है तो वो दवाई का सेवन कर सकता है जिससे उसका बीपी जो है नॉर्मल हो जाए। तो दोस्तों मेडिकल में जो है ये सब सारे चीज़ें चेकिंग होगा और मैं कम समय में जो है सारे पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और सारे पॉइंट को आप गौर से सुने होंगे और इन्हीं को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का मेडिकल जो है मेडिकली फिट हो जाए और जो है आपका जॉब लग जाए। ऑल सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।